गुड मॉर्निंग बच्चों, दो पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि माता पिता को अपने शौक के वश में कर दोगे हे राजकुमार, और मेरा जो फरसा है वो इतना घनघोर है कि गर्भ में पलने वाले शिशु भी अपना दम तोड़ देते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी। तो ये सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए कोमल स्वर में बोलते हैं, क्या कहते हैं, अहो मुनीषु महाभटमान, के ओ मुनिवर, हमने आपको निश्चय ही महान योद्धा माना है। पुनि पुनि मोई दिखाओ उठारू, उठारू गया वो फरसा, और आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, और आपका फरसा दिखाना ऐसा लग रहा है चहत उड़ावन फू की पहाड़ों, जैसे कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा, लक्ष्मण व्यंग्युक्तियों में बात कर रहा है कि आप ये चाहते हो कि आपकी फूंक से पहाड़ उड़ जाए। पहाड़ अब स्वयं को बता रहा है कि मैं भी निर्बल नहीं हूँ। आगे लाइन में कहेगा कि हाँ कुम्हड़बतियाँ को नाही, कुम्हड़बतियाँ के समान कोई निर्बल नहीं है। कुम्हड़बतियाँ होता है निर्बल, जैसे छुईमुई का पौधा होता है, उंगली का उंगली दिखाते ही छुईमुई का पौधा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कुम्हड़बतियाँ यानी निर्बल कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी दिखाते ही, तर्जनी होता है उंगली, अंगूठी के पास वाली उंगली, आपकी उंगली दिखाते ही डर जाए। देख कुठारू सरासन वाना, हे मुनिवर, मैंने आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया हो तो मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कुछ अभिमान पूर्वक मैंने आपको आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर सोचा आप योद्धा हैं, इसलिए मैंने अभिमान पूर्वक आपको कुछ कह दिया है। भृगुसूत समूझी जनेऊ बिलोकी, अब क्या है कि मैं आपको भृगु ऋषि भृगु का पुत्र है समझता हूँ, और आपके जनेहू को देखकर आपके गले में जो सूद है, जो ब्राह्मणों का जो होता है जनेहू, उसको देखकर जो कछु कहूँ सर हूँ रीस रोकी, क्या कहता है कि जो कछु कहूँ सहूँ रीस रोकी, अपने क्रोध को रोक रहा हूँ और आपके अपमान में कुछ नहीं कह रहा हूँ। किस लिए, एक तो आपको जनेऊ पहना है, आपको ब्राह्मण समझ रहा हूँ, और एक आप ऋषि भृगु के पुत्र हैं, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। फिर क्या कहता है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर यानी देवता, महिसुर महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन हरिजन यानी हरि यानी ईश्वर, और जन यानी हरि के भक्त, अरु गाय और गाय, हमरे कुल इन्ह पर न सुराही, सुराही यानी कोई भी हथियार नहीं उठाया जाता, यानी हमारे वंश में देवता ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, बंदे पापू, अगर हम इन पर हाथ उठाते भी हैं तो पाप में बंध जाते हैं, और अब कीर्ति हारे, अगर इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश चारों ओर फैल जाता है। भाई इन पर हाथ उठाएंगे तो हम पाप में बन जाएंगे, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो क्या कहेंगे कि सूर्यवंशी है, हार गए। मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे, तो आप हमें मारेंगे फिर भी हम आपके ही चरणों में रहेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम समान उपमा अलंकार, तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, हे मुनिवर आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा यानी करोड़ों जो आपके जो शब्द हैं वो ही वज्र के समान हैं, वो ही कड़वे हैं। व्यर्थ धरव धनु बाण कुठारा, फिर तो आपने व्यर्थ में ही धारण किए, क्या धनुष बाण और कुठार व्यर्थ में ही धारण किए हैं, आपके तो क्या वचन ही व्रज के समान हैं।
जो विलोकी अनुचित के हूँ क्षमहु महामुनि धीर। लक्ष्मण कहते हैं कि आप धैर्यवान हैं और आपकी वेशभूषा को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो मुझे क्षमा करें। सुनि सरोस, ये सुनकर सरोस रोस के साथ यानी क्रोध के साथ भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि कौन? परशुराम जी बोले। गिरा गंभीर, अपनी वाणी को गंभीर करके बोले। क्या कहते हैं आप देखिए, कौशिक, अब कौशिक आया। कौशिक किसके लिए कहा गया? विश्वामित्र के लिए। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, हे कौशिक हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है। कैसा है? मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घाल को, क्या है ये कुटिल काल, ये काल के वश में हो गया है। निज कुल घाल को, निज कुल यानी अपने कुल का, घाल को यानी घातक है, अपने कुल का नाश कराने वाला है। भानु वंश राकेश कलंक को, ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद्ध अशंकु, यह बालक निपट यानी अत्यंत अनुशासनहीन, निरंकुश जिसपे खुद का अंकुश नहीं है, अबुद्धु मूर्ख है और अशंकु निडर है। काल कवलु होइषण माही, ये काल के कवलु यानी काल का ग्रास कहते ना एक और, तो ये काल का ग्रास हो जाएगा क्षण माही, एक क्षण में, ये एक क्षण में काल को प्राप्त हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी नहीं मोही, कहूँ पुकारी ये मैं पुकार के कहता हूँ, बड़ी सभा में पुकार के कहता हूँ, खोरी मोहिनाई, खोरी यानी फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हटको जो चहु उबारो, जो चहु उबारो यानी अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो हटको, तो इसे यहाँ से हटा लो। कही प्रताप बलु रोष हमारा, इसे मेरे प्रताप के बारे में, बलु यानी बल के बारे में, रोष यानी क्रोध के बारे में बता। पूरी लाइन क्या होगी कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे बल, मेरे क्रोध और मेरे प्रताप के बारे में बताकर इसे यहाँ से हटा लो। लखन कहूँ मुनि सूजस तुम्हारा, अब बीच में ही लक्ष्मण बोलते हैं वापस, लखन कहूँ, लखन कहते हैं मुनि सूजस तुम्हारा, हे मुनि सूजस यानी आपका यश, तुम ही अच्छत को बनने पारा, तुमसे अच्छत यानी अच्छा को यानी कौन वर्णे यानी वर्णन पारा यानी करेगा, यानी हे मुनि आपके सुयश का वर्णन आपसे अच्छा कौन करेगा। आप विश्वामित्र को कह रहे हैं कि इसे मेरे बल रोष प्रताप के बारे में बता दो, पर आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं तो आपसे अच्छा और कौन वर्णन कर पाएगा। अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, आपने अपने मुंह से अपनी करनी, अपने कर्मों के बारे में बहुत बताया, बार अनेक भांति, अनेक बार भांति बहुवर्णी, अलग अलग तरह से आपने अपने मुंह से अपने कार्यों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। नहीं संतोष, अगर अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है तो पुण्य कछुक और कुछ कह लो। तो लक्ष्मण उनको और उकसाते हैं कि अगर संतोष अब भी नहीं हुआ है तो और कुछ कह लो। जनिरीस रोक दुसह दुख सहो, अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख मत सहो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धीर धैर्यवान हो। अछोबा तुच्छ बातें गारी देत न पाऊ सोबा, इसलिए गाली देते हुए अर्थात तुच्छ बातें करते हुए आप शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं सूर, सूरवीर जो होता है वो समर यानी युद्ध भूमि में करनी करी अपना कर्म करता है, कहीं न जना वही आपको, अपने आप को जताता नहीं है, यानी युद्ध भूमि में जाकर कोई वीर ये नहीं कहता कि मैंने ये किया मैंने वो किया, अपनी बड़ाई नहीं करता, अपने आप को साबित नहीं करता, युद्ध करके साबित करता है। तो सूरवीर वो होता है जो युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करता है, अपने आप को जताता नहीं। विद्यमान रण पाई रिपु, रिपु यानी शत्रु, अपने शत्रु को विद्यमान यानी पाकर, रण यानी भूमि में, युद्ध भूमि में अपने शत्रु को युद्ध भूमि में देखकर कायर कतई प्रताप हो, कोई कायर ही होता है जो अपने बल प्रताप का वर्णन करता है।